हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये रिलेटेड है हमारी बीपीटी कोर्स से। जो बच्चे बीपीटी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और उसमें अपने कैरियर को परसू करना चाहते हैं बच्चों, तो उनके लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आपको पता है कि इस कोर्स में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में जो आपका एडमिशन होता है वो नीट के स्कोर मार्क्स पर होता है। जो भी आपका नीट में स्कोर आया उसके अकॉर्डिंग होता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में इसका एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि रायपुर में है और प्राइवेट कॉलेज भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि इसमें इसकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। जो इसकी डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी काउंसलिंग 26 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोपहर के 3 बजे से, मतलब आज, ठीक है। और ये चलेगी हमारी 3 दिसंबर तक और रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो उसके बारे में अपन देखना चाहते हैं कि कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे इसकी काउंसलिंग में और आपको क्या क्या करना होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपके आपके साथ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, देखिए। तो अब आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम या जो भी आपके में वेब ब्राउजर है उसको खोलना है, ओपन करना है और उसमें cgdme.in को, इस वेबसाइट को खोलना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा जैसा कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बीपीटी 2020 ऑनलाइन पोर्टल ओपन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऐसा कुछ आएगा। अब देखो, इसमें दो टाइप के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, जो कि पहले स्टार्ट हो चुकी थी और अभी उसकी सेकंड काउंसलिंग भी आज लास्ट डेट थी, कल लास्ट डेट थी। तो दो टाइप के बच्चे होंगे यहाँ पे, जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस में पार्टिसिपेट, उसकी काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया होगा। एक बच्चे वो होंगे जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, बिल्कुल न्यू होंगे और वो इस कोर्स के लिए पार्टिसिपेट काउंसलिंग में करना चाहते हैं। तो दो तरीके, तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए पार्टिसिपेट किया, उनको क्या करना है। तो उनको ना यहाँ पे जाना है, ऑलरेडी पेड ऑनलाइन फी ड्यूरिंग एमबीबीएस बीडीएस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे ही वो जाएंगे तो उनकी, उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने, फिर से सुन ले आप लोग, जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने उन लोगों को क्या करना है, उस ऑप्शन पे जाना है जो कि मैंने अभी बताया था। फिर यहाँ पे देखिए उनको क्या क्या फिल करना है, उनको नीट एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पे नीट का रोल नंबर फिल करना है, नीट ऑप्टेन मार्क्स फिल करने हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और 12th पास इन इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसमें तो यस ही करना है, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये मार्क्स पूछेगा। देखिए आपको 12th में आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे, बायोलॉजी में कितने थे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा आउट ऑफ। जैसे आपके मान चलिए फिजिक्स में 87 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे आप आउट ऑफ मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो आपने मार्क्स ऑप्टेन किए हैं, ठीक है। यहाँ के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12th ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 12th में सभी सब्जेक्ट को मिला के, है ना, और फिर 12th आउट ऑफ कितने टोटल मार्क्स, कितने का आपका 12th एग्जाम हुआ था, वो वहां पे आपको टोटल मार्क्स को फिल करना है, परसेंटेज खुद से कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे आप फिर उसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको फिल करना, उसके बाद आप फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो उन बच्चों की बात हो गई जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। अब जिन बच्चों ने एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो कैसे करेंगे, तो उनको क्या करना है, उनको यहां जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एक चीज मैं बता दूं, इसकी जो फीस है वो जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए ₹1000 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, और जो हमारे एससी और एसटी के बच्चों उनके लिए ₹500 है। अच्छा, अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो उनको आप फिर से फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं और अभी बीपीटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको अभी ₹1000 देने पड़ेंगे अगर वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी को बिलोंग करते हैं, और अगर वो एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनको ₹500 अभी फिल करने होंगे। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। जिन बच्चों ने एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं है उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर इस फॉर्म को उनको फिल करना है। तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको नीट एप्लीकेशन नंबर फिल करना है जो कि आपके नीट के स्कोर कार्ड में होगा या एडमिट कार्ड में होगा, ठीक है। फिर नीट रोल नंबर फिल करना है, फिर नीट में कितने मार्क्स आए हैं वो फिल करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, किस फॉर्मेट में करना है, DD MM YY YY। जैसे मान चलिए आपकी 17 जनवरी 1992 डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ 17011992 ऐसे फिल करेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है, इस मोबाइल नंबर को वही फिल कीजिए जो कि आपने नीट के फॉर्म में किया था, या फिर उस मोबाइल को फिल कीजिए जो अभी ऑन है आपका। ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद जो नंबर बंद हो जाएगा उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे, क्योंकि ये ओटीपी यहाँ पे आते रहेगा जब तक कि आपकी पूरी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती। तो मोबाइल आपका चालू रहना चाहिए जब तक कि आपकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती है। ईमेल आईडी भी
फिल वो कीजिए जो मतलब यूज में हो, मतलब जिसको आप फ्रिक्वेंट यूज करते हो। सेक्स में आपको मेल या फीमेल दो ऑप्शन देगा। आप अगर जैसे मैं मेल हूं तो मैं यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर लूंगा। 12th पास इन इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो इसमें तो यार सिंपल यस ही करना है ना, आपके होने ही चाहिए सब्जेक्ट। फिर आर यू डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब आपके पास अगर सीजी का डोमिसाइल है तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट, तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन आते हैं, छत्तीसगढ़, अदर स्टेट, नो। अगर आप जनरल कैटेगरी के तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, ध्यान रखिए। अगर आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एससी, एसटी, इन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपके पास सीजी का डोमिसाइल है तो आपको छत्तीसगढ़ कर देना। अगर अदर स्टेट का अदर स्टेट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे अदर स्टेट कर देना है। लेकिन अगर आपको सीजी का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते तो आपके पास छत्तीसगढ़ स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं तो मैं यहां पे नो फिल करूंगा, ठीक है, क्लियर है। कैटेगरी में जाऊंगा, यू आर, देखो जैसे ही आप यहां पे नो फिल करेंगे आपको कैटेगरी में एक ही देखेगा, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। आई हैव कास्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो ही होगा फिल, क्योंकि जब आप जनरल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए जैसे ही यहाँ पे अगर आप भरते हैं छत्तीसगढ़, मान के चलिए आपके पास छत्तीसगढ़ का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे देखिए आपको सभी कैटेगरी दिखाई देंगे, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एसटी, एसटी स्पेशल, अभी 2% का रिजर्वेशन इनके लिए उन्होंने किया और इसका 30% कर दिया एससी, जिसका 14% रिजर्वेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास, जैसे मैंने मान के चलो मैं एसटी कैटेगरी का हो तो मैंने एसटी फिल कर दूंगा और यहाँ पे यस कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे क्या करना है। फिर आपको क्या करना है भाई, 12th के आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे, बायोलॉजी में कितने थे, यहाँ पे आउट ऑफ कितने में से कितने थे, मतलब यहाँ पे टोटल मार्क्स की 100 नंबर का फिजिक्स का पेपर हुआ तो यहाँ पे 100 लिख देना है, इस टाइप से, है ना। और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना था जब आपने 12th का एग्जाम दिया, तो आपके टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें आपने कितने ऑप्टेन किए वो फिल करने। क्लास में क्या करना है, अगर आप फ्रीडम फाइटर कोटा में आते हैं या आप सैनिक कोटा में आते हैं या फिर आप पीएच कोटा में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप इनमें नहीं आते तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। टाइप ऑफ कॉलेज सीट, आप इसमें दोनों चूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। देखो क्या होता है ना, पहले बच्चे बोलते हैं नहीं हमको गवर्नमेंट में जाना है, फिर बाद में मन हो जाता है कि नहीं हमको प्राइवेट में जाना है। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों करें। फिर भले आप चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना, लेकिन यहाँ पे आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों करें, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपका खुलेगा, वहां पे आपको पेमेंट करना होगा 1000 रुपए का। जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं किया उन्हों को 1000 का करना पड़ेगा, अगर वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और अगर वो एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो फिर उनको 500 रुपए का करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको वहां पे लॉक करना होगा, फिर आप आराम से, ये सब आपको कब से पहले करना है, लास्ट डेट क्या है इसकी मैं आपको बता दूंगी फिर से। इसकी लास्ट डेट जो है बेटा वो है हमारी 3 दिसंबर रात के 12 बजे तक। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 1 दिसंबर तक सब कुछ कर लें, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कभी कभी ऑनलाइन जो पेमेंट आप करते हो उसमें 24 घंटे बैंक ले लेता है, वेरीफाई नहीं कर पाते, इसलिए बाद में हमको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप 1 दिसंबर क्या आप इसको 30 नवंबर तक ही खत्म कर लें, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। चलो अब इसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन दूं आपको, पता है अपने यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा इसकी फीस के बारे में अगर आपको बताऊं, रुकिए पहले मैं अपना चेहरा आपको दिखा देता हूं, 2 मिनट का समय देंगे मुझे। अब आप मेरा चेहरा देख पा रहे होंगे, सुंदर सुंदर सुशील चेहरे को, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे हम कि भाई हमारी फीस क्या है 1 साल की, ये कोर्स कितने साल का होता है, तो ये कोर्स होता है 4 साल का, इसमें इसके बाद 6 महीने की यहाँ पे इंटर्नशिप होती है जो कि कंपलसरी होती है, मतलब 4.5 साल का होता है। अगर हम बात करें इसकी फीस क्या है, तो आप जब पहले साल जाएंगे तो आपको 13,500 रुपए देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर से आपको 12,500 रुपए देना पड़ेगा, इसमें सभी फीस इंक्लूड है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो वो आपको अलग से ही रहना पड़ेगा, कॉलेज की तरफ से नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको 12,500 रुपए फीस बताई है, हमारी ट्यूशन फीस है, लाइब्रेरी फीस, उनकी जो भी फीस है वो टोटल ओवरऑल फीस है। इस प्रकार से आप, एक गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की फीस अलग अलग है, अलग अलग कॉलेज की करके, एक अंजोरा में है, अंजोरा मतलब दुर्ग में है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है कि कैसे करना है पार्टिसिपेट, तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिए, मैं कमेंट पे आपको बताते जाऊंगा, आपकी हर समय हेल्प करते जाऊंगा, और मैंने स्क्रीन के साथ पूरा आपको बताया हुआ है कि किस
प्रकार से आपको करना है। अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस में कर चुके तो आपको 1,500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया तो आपको फिर से फिल एप्लीकेशन फॉर्म में जाना पड़ेगा, हमें पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसिल में पार्टिसिपेट किया उनको भी 12th के परसेंटेज मार्क्स वो सब फिल करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये सब नीट के जब एमबीबीएस और बीडीएस का फॉर्म फिल किया था तो वहां पे उन्होंने ये सब चीजों को फिल नहीं किया था। ठीक है, तो इतनी एक्स्ट्रा चीज आपको भरनी पड़ेगी। आई होप ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो टाटा बाय बाय।